आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। पानसेमल वन परिक्षेत्र के ग्राम भातकी में पशु बाड़े में बंधी 5 बकरियों को वन्य प्राणी ने निशाना बनाया, जिससे गांव में दहशत फैली। वन प्राणी के पगमार देखने से वन विभाग ने भेड़िया होने की पुष्टि की। घटना की जानकारी देते हुए वन विभाग अधिकारी पानसेमल मनोज वास्कले ने बताया कि ग्राम भातकी में वन्य प्राणी ने घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम ने पंचनामा बनाया और वन्य प्राणी के पगमार की जांच की और वन्य प्राणी की पहचान भेड़िये के रूप में की गई। आवश्यक प्रक्रिया के बाद पशु मालिक को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। ये खेतिया ग्राम का जो एक गांव है भातकी से एक बांद्रियाबड़ नामक फलिया है, वहाँ पर मगन पिता मदन है, एक अपना गांव ग्रामीण, उनके यहाँ पर 5 बकरियों का शिकार किया गया। तो आज सुबह की ये घटना है, यार रात में हुई थी जो घटना, उसके अब सुबह हमको पता चला। जैसे ही पता चला वैसे स्टाफ को वहाँ मौके पे भेजा गया, तो मौके पे जो पगमार का हमारे द्वारा निरीक्षण किए गए हमारे स्टाफ के द्वारा, तो उसमें तेंदुए के पगमार्क नहीं थे बल्कि अपने भेड़िया के पगमार्क देखे गए। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो घटना घटित हुई है वो भेड़िया के द्वारा घटित हुई है। सर क्या किया जाएगा? अब मौके पर आसपास के एरिया में भेड़े की तलाश स्टाफ द्वारा की जा रही है और उसे मतलब जंगल की ओर भगाने की कार्रवाई की जाएगी। सर पशु मालिक को कितना मुआवजा दिया जाएगा? इनको जो नियमानुसार जो मुआवजा मिलता है बकरियों का, बच्चा होगा तो बच्चे के आधार पर कम दिया जाएगा और बकरी होगी तो उसका जो है नियमानुसार उसका भुगतान किया जाएगा।